हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेष्ठ हजिनल। तो आज मैं बना रही हूँ बेबी जूती, या फिर बेबी के सूज भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये ऐसे दो भागों में इसे बुनी हुई हूँ और इसे अब मैं जोड़ूंगी। ये देखिए, ये दोनों रेड और वाइट के छोरों को मिला के इसे सिलना है। उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक इसे सिलना है। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ये सिल चुका है। अब इससे हम या तो धागे को गांठ बना के काट लेंगे या फिर हम उसी में मर्ज कर देंगे। फिर अब इसे पलट देना है। अब ये हो गया है, ये इसका सीधा भाग है। तो अब जो पूरा रेड वाला है, उस पूरे रेड वाले को हम जैसे सिलते हैं फोल्ड करने के जैसा, उस तरह से हम इसे सिल देंगे पूरे रेड वाले भाग को। ये जो मेरा रेड धागा है उनका, ये मेरा, ये देखिए, इसे हम ऐसे जैसे फोल्ड करते हैं उस तरह से इसे सीलेंगे ताकि ये चुन के जैसा आगे का मुजरी जो है बन जाए। ये देखिए, आप देखिए, थोड़ा सा और बचा है, इसे भी हम सिल लेंगे। ये देखिए, ये पूरा जो मोजरी, जो जूती होती है, ये आगे का पोर्शन है, जो रेड है ये आगे का पोर्शन है। ये देखिए, ये फिर अब दोनों जो लाल लाल वाला छोर है रेड कलर का, दोनों को हम मिला के ऐसे सिल लेते हैं। दोनों छोरों को मिला के सिल लेंगे। सिल के हम अच्छे से गांठ लगा देंगे दोनों छोरों को मिला के। इसके बाद हम नीचे की ओर देख लीजिए, ये है इसका नीचे का पोर्शन। तो इसमें हम दोनों वाइट वाइट वाले और दोनों रेड वाले को मिला के उसे भी सिल लेंगे। ये जो रेड रेड का पोर्शन है इसे सिल लेंगे और जो वाइट वाइट का पोर्शन है उसे मिला के सिल लेंगे।
ये देखिए अब ये पूरा सिल चुका है। अब ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसे भी पूरा मिला के हम सिल लेंगे और गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले ना। और ये जो पूरा अगर धागा जो अगर बच रहा है, या तो आप चाहे तो इसे गांठ लगा के काट भी सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप इसे इसी में मिला सकते हैं। मिलाने से ये फ़ायदा होता है कि अगर गांठ कभी टूट जाए तो वो पूरा आपके स्वेटर को, आपके इस ऊन के बने कपड़े को, वो पूरा उसका सिलाई खुल सकता है, पूरा स्वेटर खुल सकता है। और धागा को मिला के रखने से ये होता है कि वो धागा गांठ टूटता भी है तो वो खुलता नहीं है, वो धागा उसी में मिला रहता है, तो जिससे कि वो सिलाई रहता है, खुलेगा नहीं। ये देखिए जैसे मैं इसी में इस धागे को मिला दे रही हूँ, इसे मैं ज़्यादा काटूंगी नहीं, इसी में मैं इसको मल दे रही हूँ ताकि ये। जूती तैयार, ये देखिए। और ये जो जितना एक्स्ट्रा है धागा, या तो आप इसे काट सकते हैं, आप इसे इसी में मिला के सिल सकते हैं। मैं तो इसे इसी में मिला के सिल दूंगी ताकि ये गांठ टूटने पे भी ये खुले ना। ये देखिए मोजरी कैसा बेबी का रेडी हो चुका है। और आप इसे सजाने के लिए चाहे तो इसमें आप पॉम पॉम भी लगा सकते हैं, या बटन लगा सकते हैं, या कुछ। तो ये देखिए, ये मेरा रहा पॉम पॉम का टिप्स, ये पोम पोम बनाने का है। इसमें हमने फोर्क इस्तेमाल किया है लपेटने के लिए उनको। अब इसे देखिए गांठ लगा देंगे, गांठ बांध देंगे कस के ताकि ये खुले ना पोम पोम। इसे हम कस के बांध देते हैं। और फिर हम इसे निकाल लेते हैं इस तरह से, और इसे कस देंगे धागों को ताकि ये ढीला ना हो, जब पम पम बने तो ये खुले ना। और फिर इसे मिला के फिर हम इसे कैंची से इसे कट कर लेंगे ताकि हमारा पम पम तैयार हो जाए। ये देखिए दोनों छोरों को मिला के पहले तो इसे कसेंगे, गांठ लगाएंगे कस के, और फिर दोनों छोरों को मिला के पकड़ के इसे कट करेंगे। और इसे फिर हम कट करेंगे। और इस तरह से देखिए हमारा पॉम पॉम भी रेडी है, जूती में लगने के लिए तैयार है। ये देखिए हम पूरा एक एक धागे को इससे कट कर लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये छोटा सा पॉम पॉम, क्योंकि हमारा जूती जो है वो बेबी जूती है, बेबी मोजरी आप कह सकते हैं, तो इस पॉम पॉम को हम उसी तरह से काटें ताकि वो उस पर अच्छे से बैठ जाए, अच्छे से सेट हो जाए। अब इसे हम चारों ओर से काट लेंगे, पॉम पॉम का एक राउंड अच्छे से बना लेंगे बॉल के जैसा, इसे पूरा अच्छे से मिला लेंगे। जहाँ पे एक्स्ट्रा लंबा या फिर छोटा हुआ आपको लगे धागा है उसे अच्छे से मिला के उसे कट कर लेंगे ताकि ये अच्छा गद्देदार पॉम पॉम बन के रेडी हो जाए।
और ये देखिए हमारा पॉम-पॉम रेडी है। ये कितना अच्छा छोटा सा सॉफ्ट सा गद्देदार बना है। अब मैं इसे उस घीटी में सीलूंगी यहाँ आगे की ओर सेट करके। और ये रहा हमारा जूती तैयार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो नए यूजर हैं एंड दूसरों को शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।